सूरत गोडाद्रा विस्तार में आवेला राधेश्याम इंग्लिश मीडियम स्कूल ना विद्यार्थियों द्वारा धोरण 10 की परीक्षा में जयहरती प्रसिद्धि हासिल करी हती। सूरतना गोडाद्रा खाते आवेली राधेश्याम इंग्लिश मीडियम स्कूल ना धोरण 10 की परीक्षा में 13 विद्यार्थियों ए टू ग्रेड प्राप्त करता शाला परिवार द्वारा उजवणी करवामां आवी हती। आ कार्यक्रम में एसएमसी एक्स स्टेन्डिंग चेरमेन भीमजी पटेल द्वारा विद्यार्थियों ने मेडल आपी मिठाई खवड़ावी सम्मानित करवामां आव्या हता। आ साथे ज 92 विद्यार्थियों ए टू ग्रेड मेळव्यो हतो। महत्वनुं ए छे कि गुजरात बोर्डनुं आजे परिणाम जाहेर करवामां आव्यो, जेमां समग्र गुजरातनुं 65.18% परिणाम जाहेर करवामां आव्यो छे, जेमां सौथी वधु सूरत जिल्लानुं 75.64% परिणाम जाहेर करवामां आव्यो छे। आ साथे ज गुजरातमां सौथी वधु सूरतना 2532 विद्यार्थीओए एवन ग्रेड प्राप्त कर्यो हतो, जेना पगले स्कूलों खाते पहुंचेला विद्यार्थीओ खुशी थी झूमी उठ्या हता। सूरत में 2532 विद्यार्थीओए एवन ग्रेड मेळव्यो छे, जे समग्र गुजरात में सौथी वधु छे। दसमी धोरणना विद्यार्थीओ जे टॉप 10 आव्या छे, एमने आजे स्कूल तरफथी वाली अने विद्यार्थीनो सन्माननो प्रोग्राम हतो। पूर्व स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन तरीके मने अहीं उपस्थित रहेवानी तक आपी અને આ બચ્ચા જે ટોપ 10માં આવ્યા છે એ તમામનું સન્માન કરવાની આ રાધેશ્યામ સ્કૂલ તરફથી આમંત્રણને માન આપી અને અહીંયા વધાર્યો। મેં જોયું કે જે બાળકો ટોપ 10માં આવ્યા છે એ તો ખુશ હોય સહજ છે, પરંતુ જે નાપાસ થયા હોય અથવા તો ઓછા માર્ક્સથી પાસ થયા હોય એવા તમામ બાળકોને રાધેશ્યામ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ ગોડાદરા ખૂબ સારી મહેનત કરીને આગામી દિવસોમાં આ બાળકોને પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવવાનું ભગીરથ કાર્યમાં જોડાય, ભારતના સારામાં સારા નાગરિક બને અને વાલી વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક મળીને જો આ તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરે તો ખોટા માર્ગે ન જતા માત્ર ને માત્ર સારા વિદ્યાર્થી સાથે ભારતના સારા નાગરિક બને એવી આજે શુભકામના પાઠવી। અને મેસેજ પણ મારો એટલો જ કે સુરત શહેરના તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે ટોપ 10માં આવ્યા કે ટોપ લેવલ ઉપર આવ્યા છે એવાનો તો ખરેખર આનંદ હોય, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ આજે મેં જોયું કે 3 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થયા છે। મેં જો હૈ હમેશા હમ લોગ એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લેતે હૈ તાકી ઉસકો સમય દેકર ઓર અચ્છી તરહ સે પ્રોગ્રેસ કરા સકે, ઓર જો ક્વેશ્ચન આન્સર उनको समझ में नहीं आती उनको हर तरह से रिपीट करके उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। हमारे शिक्षक हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से शिक्षण मिल सके। अच्छा सर, ऐसा रहता है कि कभी कुछ बच्चे फेल होते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो मतलब गलत रास्ते पे जाते हैं, सुसाइड जैसे, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा ये तो आखिरी पड़ाव नहीं है, 10th क्लास बोर्ड का परीक्षा है लेकिन आखिरी पड़ाव नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना यही होना चाहिए, घोड़ा पर जो चढ़ेगा वही गिरेगा। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो ये समझदारी अपनी लेनी चाहिए कि हमें इस तरह का व्यवहार या दिमाग में सोचना नहीं चाहिए। यदि उनको हम दिमाग में इस तरह से आता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम दूसरी बार परीक्षा दे करके और अच्छा नंबर लाएं और हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, ऐसी उनकी भावनाएं को रहना चाहिए, उनका भावना वैसा होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर गलत डिसीजन लेते हैं तो गलत डिसीजन में वो फेल होने का दिमाग पर असर पड़ता है, लेकिन उनके गार्जियन और हमें शिक्षकों को हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहेंगे तो शायद वो परीक्षा देकर और भी अच्छा बनने का प्रयास कर सकता है। राहुल मकवाणा, GTV न्यूज़, सूरत।